press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा, आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान हैं सबा नकवी। सबा, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल, थैंक यू सो मच। सबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई सारे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। मेरे ख्याल से अभी स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे काम करें, आप लोगों ने टेलीविजन पे भी देखा होगा सबा को। इसके अलावा हमारे इनहाउस जो हमारे साथी हैं मेघनाथ, जो कि हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, स्वागत है मेघनाथ आपका भी। नमस्ते सर। नमस्ते। और साथ में शार्दुल, हमारे सह संपादक। हेलो, स्वागत है शार्दुल। शार्दुल हमसे भोपाल से जुड़ रहे हैं। हेलो। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले जो विषय हैं उसके बारे में मेघनाथ को मैं हैंडओवर करता हूं, जो भी विषय चर्चा में शामिल होने। मेघनाथ, एक बार आप श्रोताओं से उसको। दो बड़ी वायलेंस की घटनाएं हुई लास्ट वीक। एक तो बैंगलोर में मॉब वायलेंस हो गया, किसी एमएलए के रिलेटिव ने एक फेसबुक पे प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट पोस्ट डाला, उसकी वजह से एक क्राउड कुछ 110 लोगों का स्टोन थ्रोइंग और असॉल्ट करने लगा। उसमें 13 लोगों की मौत हो गई है और कुछ 50 पुलिस अफसर को इंजरी भी है। तो इस पे भी चर्चा करेंगे। और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 3 कैरावान रिपोर्टर्स पर हमला किया गया। इसके हमने डिटेल में रिपोर्टिंग भी किया है न्यूज लॉन्ड्री पे, वो आप पढ़ सकते हैं। वो हम डिटेल में समझाएंगे थोड़ा सा बाद में। वो एक्चुअली एक फीमेल जर्नलिस्ट को भी सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, हरास किया गया एक्चुअली। और दो मेल जर्नलिस्ट को, एक मुस्लिम और एक हिंदू को भी बहुत मारा गया। तो उस पर चर्चा करेंगे। जर्नलिज्म के हाल खराब है। उसके अलावा सचिन पायलट ने अभी दोस्ती बना ली है गांधी परिवार से और कांग्रेस से, दोस्ती बनाई रखी है। और बेसिकली एक महीने पहले जो उन्होंने रेबेलियन किया था, उसके बाद जो भी ड्रामा हुआ, पर अब वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिल चुके हैं और फिर उनका कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है या फिर कुछ डिस्कशन हुआ है, वो हमको पता नहीं है अभी एग्जैक्टली क्या डिसाइड हुआ है, पर वो अभी शांत हो गए। तो राजस्थान की गवर्नमेंट बच गई। और एक वो लेबनान में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद उधर की गवर्नमेंट ने रिजाइन कर लिया है, क्योंकि बहुत ही मतलब कैटास्ट्रोफिक इवेंट था वो। और अभी खबर आ रही है कि कुछ 170 लोग उसमें मारे गए हैं और वो और इंजरीज भी बहुत ज्यादा है, तो वो और लोग मरते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा क्राइसिस का सिचुएशन हो गया है। एक अयोध्या का भी एक खबर आई है, कल आई थी, कि वहां के जो पुजारी थे जिन्होंने जो स्टेज पर थे, मोदी जी और योगी और योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के साथ, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। नित्य गोपाल दास, जो कि तीर्थ ट्रस्ट के चेयरमैन हैं जी, और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। एक एक्चुअली मैं शुरुआत में सवाल करना चाहता हूँ, एक्चुअली इस पर चर्चा भी करेंगे पता नहीं, पर मैं पैनल को एक सवाल करना चाहता हूँ। इस ये प्रोटोकॉल के हिसाब से जो भी स्टेज पे था उनको अभी आइसोलेट करना चाहिए ना? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। I mean, contact tracing अब भूल गए शायद सब। नहीं, वो असल में जो रिपोर्ट आई थी अयोध्या से, उसमें ये था कि the people who were given entry, जिन लोगों को एंट्री दी गई थी, उन सबकी पहले पॉजिटिव रिपोर्ट ली गई, मतलब कोविड नेगेटिव जब तक रिपोर्ट नहीं थी 175 लोगों की, उसके बाद ही उन्हें आने दिया, तो उसके बाद ही इन्फेक्ट हुए हैं। मथुरा का कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव खतरे में है और विश्व हिंदू परिषद की जो प्रांत की बैठक थी ब्रज प्रांत। अच्छा, ये इनसाइटफुल। दो और खबरें एक अतुल सर बताएंगे, पर एक और खबर ये है कि एयर इंडिया का एक प्लेन 2 टुकड़ों में बट गया लैंड करते करते और 18 लोगों की मौत हो गई है।
इसमें 190 लोग ऑन बोर्ड थे. केरला में ये कालीकट में ये घटना हुई और 123 लोग इंजर्ड भी हैं. और सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस इसमें एक बहुत मशहूर शायर हमारे समय के थे, राहत इंदौरी साहब, उनका इंतकाल हो गया कोविड से हुआ, तो उनके बारे में भी थोड़े बहुत हम चाहेंगे कि अगर बातचीत होगी, समय रहेगा, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे. मेरे ख्याल से सबसे पहले जो राजस्थान का घटनाक्रम है उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आज वहां पर कॉन्फिडेंस मोशन ला रही है गहलोत सरकार, और उसके जवाब में बीजेपी ने अनाउंस किया है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे. पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि सरकार बच गई सभा. जी जी, तो लग तो यही रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से सचिन के सामने ज्यादा ऑप्शंस थे ही नहीं. और शुरू से मुझे ये लगा है, लोग कह रहे थे कि ये सचिन पायलट का रिबेलियन था, लेकिन मुझे लगा कि ये इसमें बहुत बड़ा हाथ अशोक गहलोत का भी था. वो इनको डिसएम्पावर करना चाह रहे थे, वो इनका जो भी इन्फ्लुएंस था राजस्थान में उसको कम करना चाह रहे थे. और क्योंकि अगर वो सेडिशन चार्जेस नहीं लाते सचिन के खिलाफ, ये पूरा मामला जब अनप्रिपेयर्ड थे सचिन पायलट, मतलब वो तैयारी भी नहीं थी क्योंकि वो कुछ कर पाए, और अनप्रिपेयर्ड उन्होंने ये सब किया. और बस अब ठीक है, अब चलिए, अब अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने एक साल के बाद कोई इनिशिएटिव लिया है. राइट, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है. सभा उसने और इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे वो यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं. एक मजे की बात यह है कि मैं कुछ लोगों की क्रिटिसिज्म देख रहा था, कोई यूट्यूबर है, उसने राहुल गांधी का वो वीडियो का क्रिटिसिज्म किया. उसका पहला क्रिटिसिज्म ये था कि कैमरे की तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, किसके तरफ देख रहे हो, बाजू में कौन है आपके. तो एक लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे टॉप फैमिली का जो रवैया रहा सचिन के मामले के सामने आने के बाद, वो एक बड़े चेंज की, बड़े बदलाव की तरफ इशारा है. जैसे हमारे सामने अनगिनत उदाहरण है, हम अगर देखना चाहें तो हिमंता विश्व शर्मा का मामला आया, जगन मोहन का मामला आया, तो टॉप फैमिली के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी कभी नहीं दिखी. इनफैक्ट ये माना जाता है कि कई बार उन्होंने मुसीबतें खुद बुलाई हैं जिसको वो बहुत आसानी से टाल सकते थे. तो ये माना जाए कि इस पूरी पॉलिटिक्स में जो बदलाव आया है अभी हमारे सामने, चाहे वो मोदी जी की लोकप्रियता से आया हो या मतलब कांग्रेस पार्टी एकदम हाशिए पर चली गई है उससे आया हो, लेकिन वो जो ईगो की एक बात थी टॉप फैमिली में, वो खत्म कम हुई है या उसमें कुछ कमी आई है? अतुल, ये ईगो की बात है कि इनकॉम्पिटेंस की बात है, मुझे समझ नहीं आया. अगर आप हिमंता बिस्वा शर्मा का आपने मेंशन किया, उनके जाने से जो नुकसान कांग्रेस को हुआ है, अभी तक तो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को उस नेता के जाने से हुआ है जो मेरी समझ में, क्योंकि भाजपा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी ही नहीं उसका प्रेजेंस. और हिमंता जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत श्रूड, बहुत रूथलेस, बहुत अनस्क्रूपलेस, बहुत एंटरटेनिंग शख्स है. उनकी पर्सनालिटी ऐसी है. अब उनका जो आप बयान सुनिए, पब्लिकली वो कह चुके हैं कि वो बहुत बार, वो तरुण गोगोई जो 3 टर्म मुख्यमंत्री थे असम के, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, हिमंता उनके राइट हैंड मैन थे. ये क्राइसिस इसलिए एकदम से उभर के आए क्योंकि तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को ग्रूम करने लगे. इस बीच जब हिमंता का एक एक ग्रुप बना और वो रिबेल करने लगा, और वो कहते हैं, उन्होंने बहुत बार कह चुके हैं लेकिन मैं फिर से उनके जो वर्ड्स हैं वो दोहराती हूँ क्योंकि काफी एंटरटेनिंग भी है, कि बहुत दिनों तक उन्होंने इंतजार किया कि राहुल गांधी से एक मीटिंग हो, और जब राहुल गांधी मिले उन्होंने कुछ कहा नहीं और उनके सामने बिस्किट रखा, और जब हिमंता ने नहीं खाया बिस्किट और वो उन्होंने इंतजार किया कि राहुल गांधी कुछ राय दे, कुछ सलाह दे, उस बीच में राहुल गांधी के कुत्ते आए और उन्होंने वो बिस्किट खा लिया. सच में ये है तो किसी भी जमीनी नेता के लिए बहुत शेमफुल स्थिति है ना, कि अगर आपके अंदर थोड़ा भी स्पाइन है तो आप ऐसे किसी लीडर के साथ कैसे काम कर सकते हैं.
तो उन्होंने कहा कि उनकी बेइज्जती हुई और जो बिस्किट उनके लिए रखे गए वो उन्होंने राहुल गांधी ने अपने कुत्तों को खिलाए। ये हेमंता का बयान है। हाँ, ये पब्लिकली कह चुके हैं, बता चुके हैं। और मतलब मैं भी उनसे मिली थी, मैं जानती हूँ उन्हें। ये उनका बयान रहा कि वो उनको बेइज्जत किया गया। अब उनका देखिए क्या क्या उन्होंने पूरा नॉर्थ स्ट्रेटेजी समाप्त कर दिया, हाथ से निकल गया एक तरह से। अगर अगर यही कुत्ते के बिस्किट खाने वाली बात है, मैंने 2 हफ्ते पहले कुत्ता अडॉप्ट किया और वो तो मेरे टेबल से बहुत कुछ खा जाता है। बहुत इंसल्टेड लग रहा है मुझे कि बहुत सारा बहुत हर्ट हो रहा है। नहीं, लेकिन किसी को सामने बिठा के मत करना, नहीं तो सही में हर्ट हो जाएगा। तो, अच्छा, इसका मेघनाथ मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि न माया मिली न राम, मतलब बहुत सारे कहावतें हैं इस तरह के मामलों में कि धोबी का गधा न घर का न घाट का, न माया मिली न राम। तो क्या कहा जाए, मतलब एक तो सभा ने बहुत एक नया पर्सपेक्टिव रखा कि एक्चुअली ये ऑफ गार्ड पकड़ लिया अशोक गहलोत ने उनको, और एक तरह से जो एक बड़ी बगावत हो सकती थी उसको समय रहते उन्होंने कट आउट साइज कट टू साइज कर दिया। आई थिंक गहलोत, अशोक गहलोत की एक कॉम्पिटेंस का भी एक इशारा है, क्योंकि सचिन पायलट कुछ भी बोलो वो आई थिंक एग्जिट हुए थे ये सोच के कि अभी गवर्नमेंट गिर जाएगी, फिर उनको मे बी शायद वो पार्टी चेंज कर लेंगे या फिर नहीं भी करेंगे, अपनी पार्टी शुरू करेंगे। शुरुआत से ही बोल रहे थे कि बीजेपी के फेवर में नहीं है। लेकिन आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के केसेस फॉलो किए होंगे तो अटॉर्नी जनरल जो थे वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और फिर मुकुल रोहतगी भी थे, और काफी जो बीजेपी के लॉयर्स बोले जाते हैं वो उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। तो ये मुझे उनके सारे लोग हरियाणा में बीजेपी रूल गवर्नमेंट में रुके हुए थे जी। तो ये मुझे एक बहुत प्रश्न चिन्ह मेरे सामने खड़ा हो गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो कि बीजेपी के लिए आपका कुछ लेना देना नहीं है तो फिर ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, वो एक है। दूसरा एक है कि आई थिंक सभा ने ऑलरेडी बोल दिया है कि सचिन का बेसिकली उन्होंने एग्जिट किया और फिर जो गवर्नमेंट गिरी नहीं और फिर गहलोत जी ने वो संवार लिया, तो उनको ये देखने लगा कि मेरा यहाँ पे कुछ चलने वाला है नहीं। अगर बेसिकली अभी एग्जिट कर दिए और फिर गहलोत की गवर्नमेंट बच गई तो उनको तो कुछ मिलने वाला भी है नहीं, तो फिर उनका पॉलिटिकल जो करियर है वो खतरे में पड़ गया था। तो ऐसे ऐसे मुझे लगता है कि उन्होंने फिर सोच समझ के विचार किया कि नहीं नहीं चलो ट्रूस कर लेते हैं टाइप्स, क्योंकि एक महीने बाद वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से मिले। तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि उनका जो सॉर्ट ऑफ क्योंकि मैं जब पार्लियामेंट में काम कर रहा था तो एक ऐसे यंग एमपीज का ग्रुप और एक एल्डर एमपीज का ग्रुप ऐसे बहुत डिस्टिंग्विश था। आई थिंक सभा को भी पता मार्केट गेन टाइप ग्रुप। हाँ, तो ये इनका तो ये सचिन पायलट और गौरव गोगोई और एक्सेट्रा ये सब यंग ग्रुप में थे और इनका नेतृत्व राहुल गांधी करते थे, और ओल्ड गार्ड का सोनिया गांधी का ग्रुप था। आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप्स भी होंगे अलग अलग। तो इनका ना ऐसे पूरा डिस्टिंक्शन दिख ही जाता था। तो राहुल गांधी के कुछ करीबी लोग थे, कुछ दोस्त भी थे, डायनेस्टी के थे सबके सब, बट दोस्त ही थे वो, उनके साथ रहते थे, उनके साथ थोड़ा सा पोलिटिकल मतलब ऑब्वियसली सपोर्ट मिलता था उनका। अब ऐसे दिखाई दे रहा है कि जब इनकी बारी आई, जैसे सिंधिया है, जैसे पायलट है, इनकी जब करियर ग्रोथ की बारी आई तब उनको लगा कि अरे अब राहुल गांधी से चिपक के कुछ नहीं होने वाला, अब हमको खुद का कुछ देखना पड़ेगा, अब कुछ कुछ करना पड़ेगा। तो आई थिंक सब लोग छटपट छटपट करके कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। इसमें एक मेरा शार्दुल आपका क्या नतीजा है इस पे जो सचिन पायलट की वापसी हुई है? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि ये लोग कह रहे थे शतरंज का खेल है, मुझे तो लग रहा था पोकर का खेल है। कौन सा खेल है? पोकर का। ओके। और मतलब ये पोकर की चाल शुरू हुई और हारने के बाद डीलर ने हारे हुए व्यक्ति को फोल्ड करने का मौका दे दिया। ये हुआ है सचिन पायलट के साथ। और जो मेघनाथ अभी कह रहे थे ना कि खतरे में थी, मुझे तो लगता है अभी भी खतरे में है और वो है। अगर आप राजनीति समझते हैं तो आज की डेट में सचिन पायलट के पास कुछ खास बचा हुआ नहीं है। उनकी कोई इज्जत नहीं है जिस पार्टी में वो हैं, उनके खास कोटरी वाले लोगों के अलावा।
और लोग ताने दे दे के उनको पानी पिला पिला के मारेंगे, उन्हें अब बिल्कुल ग्राउंड वर्कर कैसे ऊपर उठता है उन्हें समझना पड़ेगा एक हद तक, पूरी तरह तो नहीं, उनका नाम अभी भी चलेगा। और मजे की बात यह है कि जो पायलट के समर्थक शिवेंद्र सिंह हैं वो कह रहे थे कि गहलोत के शब्द जो थे जो उन्होंने कहा था नकारा और निकम्मा, एक तो नकारा और निकम्मा से गहलोत अब फॉरगेट एंड फॉरगिव पे आ गए, ये नया जुमला है उनका। शिवेंद्र सिंह कह रहे थे ये शब्द दुर्भाग्यपूर्ण थे। पायलट ने भी कहा कि नहीं मैं कहता तो मैं तो वापस ले लेता। तो गहलोत गुट के एक विधायक है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा कि उनके गुट वाले गहलोत गुट वाले विधायक तो दूध हैं और पायलट वाले पानी हैं, तो दूध में पानी मिल गया। तो ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक बात। और ये सब प्रकरण देखने के बाद मुझे सही में लगा कि राजनीति ना एक वैम्पायर है हमारे देश में, क्यों ये खून पी रही है सबका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पायलट प्रकरण के चक्कर में एक महीने में कितने लोगों की जिंदगी से जुड़े इशू पे फोकस होना रह गया। बिल्कुल। और ये कथा अभी खत्म नहीं हुई, ये चलती रहेगी। और जो एक और बात कही ना कि अपना टाइम आ गया राहुल गांधी के साथ नहीं मिलता, ये तो उनका नजरिया है टाइम आ गया। अब जो ऊपर पावर में उन्हें नहीं लगता टाइम आया है तो तुम बैठे रहो। एक चीज और इसमें मैं समझना चाह रहा था सभा कि जैसे सिंधिया ने जो किया उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो मुझे लग रहा था कि लग रहा है कि सचिन पायलट ने से दो चूके हुई हैं। मतलब आप ज्यादा बेहतर क्योंकि आपने लगातार इन लोगों को फॉलो किया है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में। एक तो ये कि सचिन पायलट एक हाफ का जो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था, और दूसरा ये कि उनको अपनी जो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ थी उसको उन्होंने ओवर एस्टिमेट किया शायद। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद क्योंकि ये तो माना नहीं जा सकता कि इसके पीछे उनकी बीजेपी से कोई बातचीत नहीं चल रही थी। बिल्कुल। हाँ। सामने तो मुझे दो तीन चीजें अतुल, जब हम लोग जयपुर में थे, आप भी थे और मैं भी थी, हाँ, वो लेट जनवरी में, तो उस वो लास्ट मीटिंग थी मेरी सचिन पायलट से, क्योंकि जब हम लोग होटल में काफी डेलीगेट्स थे वो आए थे उस होटल में, उन्होंने शशि थरूर से मीट किया और सब जब निकल गए थे मेरी लंबी बात उनसे हुई वो होटल के कॉफी शॉप में। तो उस दौर, अब इसमें कोई सीक्रेट बात है नहीं, वो उन्होंने मुझसे कहा कि वो इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि उनकी जो सीट है वहां भी जो डीएम वगैरह का ट्रांसफर है वहां भी उनको कंसल्ट नहीं किया जाता। हाँ। और कि उनको पूरी तरह इनसर्कल किया जा रहा है राजस्थान में। हाँ। और वो इस तरह की बातें हम लोगों जो जिन्होंने बहुत सालों तक पॉलिटिक्स जिनको हम जानते हैं, सचिन ने जो कहते हैं ना कि दिल्ली के जर्नलिस्ट को कल्टिवेट किया है वो सच है, वो इन टच रहते हैं, वो ये सब करते हैं। हाँ। तो उन्होंने लेकिन ये सत्य की बात ये कही कि मैं बिल्कुल इनसर्कल्ड हूँ और कोई मेरा सुन नहीं रहा है और दिल्ली में भी कोई नहीं सुन रहा। हाँ। उन्होंने बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही कॉर्नर लग रहे थे। अब अच्छा, अब आप चलिए, जब ये क्राइसिस शुरू हो गई कांग्रेस के लिए और शुरू में लग रहा था कि ये निकलने वाले हैं इनके लिए, तो उस बीच मेरी एक भाजपा के लीडर से बात हुई कैजुअल। आप जानते हैं मैंने बीजेपी बहुत सालों तक कवर किया, तो अब आजकल लोग सिग्नल पे बात करते हैं। जो शख्स जिनकी मैं बात कर रही थी वो संगठन मंत्री थे राजस्थान का, एक दौर था और वो लोकसभा में ही वाज गिवन चार्ज ऑफ राजस्थान। हाँ। सो वी हैड अ वेरी कैजुअल लाइक कॉन्वर्सेशन और उन्होंने मजाकी अंदाज में कहा, अच्छा देखो हमारे पार्टी में, मैं बीजेपी की, वो कह रहे थे बीजेपी, हमारे पार्टी में शायद मजबूत गुज्जर लीडर कम है, लेकिन क्या गुज्जर कम्युनिटी ऐसे अंग्रेजी स्पीकिंग हैंडसम तो मुझे बहुत हंसी आई। हाँ। तो वो इस तरह से कि हम सचिन का क्या कर सकते, राजस्थान में तो जगह मिलेगी नहीं, ये हो सकता है क्योंकि हमारे पास दिल्ली में सरकार है, एक मंत्री का रोल सेंटर में उसको मिल सकता है, ये था। और कांग्रेस के पास दिल्ली में सरकार नहीं है, तो अब कांग्रेस क्या करेगी सचिन के साथ? मुझे लगता है अगर राहुल गांधी लोग कह रहे हैं क्योंकि देयर इज नो क्योंकि ना तो वो रहते हैं और ना तो वो टिकते हैं और ना तो वो जाते हैं, लेकिन कि वो फिर से अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के, तो हो सकता है वो अपने टीम में सचिन को रख लें। मुझे ये उनका बेस्ट ऑप्शन ये लग रहा है अभी। यही मेरा अगला सवाल था मेघनाथ, ये जो ट्रूस हुआ है, ये जो समझौता हुआ है,
तो उसके फार्मूले क्या होंगे, राहुल अखिल में सचिन पायलट को भूमिकाएं क्या दी जा सकती हैं, उसी पर मैं अगला आना चाह रहा था। ये एक, एक एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य है कि 2019 में एक्चुअली पहले अगर 2014 की बात करें तो राहुल गांधी कुछ प्लान वैन किए नहीं थे और फिर पूरा कांग्रेस का ही चल रहा था जो भी चल रहा था और उनका रिजल्ट तो आपको दिख गया। 2019 में उनको ऐसे लगा कि नहीं चलो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा इलेक्शन में क्योंकि ऐसे ही मजाक में नहीं ले सकते, तो फिर उन्होंने एक टीम बनाई थी सोशल मीडिया और एनालिटिक्स और ये वो करके। अच्छा। प्रवीण चक्रवर्ती थे उसमें और फिर और भी लोग थे, दिव्या स्पंदना एक्सेट्रा। तो मजे की बात यह है कि जब वो इलेक्शन हार गए तो सबको डिस्टेंस कर दिया। तो ये लोग तो वैसे पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं थे ये लोग, मतलब ऑब्वियसली एनालिटिक्स और उनके कुछ एक्सपर्टीज थे और कुछ दोस्त भी थे, तो उनको डिस्टेंस कर दिया कि आपका जो प्लान है वो चला नहीं एक्सेट्रा। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक तो मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि वो बहुत ही रिलक्टेंट सॉर्ट ऑफ आदमी है। मुझे तो पहले से ही लगता है कि उनको फोर्सफुली पॉलिटिक्स में लाया गया है, अरे उनको करना ही नहीं है, उनको वो बार बार हारते जाते हैं ताकि कांग्रेस से उनको निकाल दे, पर इनको इनको ये निकालते ही नहीं है कोई, उनको और प्रमोट करते जाते हैं। तो फिर वो परेशान हो चुके हैं और 2019 में भी लॉस दे दिया, 2014 में भी लॉस दे दिया, यूपी में भी लॉस दे दिया, सब जगह लॉस दे दिया, फिर भी इनको प्रमोट ही करते जा रहे हैं। तो अब वो यूट्यूब वीडियो बनाने लगे और फिर आई थिंक वो अब ऑल्टरनेटिव करियर के बारे में भी सोच रहे थोड़ा सा, गुड थिंग। बट तो इस हिसाब से सचिन पायलट का राहुल गांधी के टीम में जाके भी क्या फायदा होगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और आई थिंक इफ यू आप अगर सिंधिया को देख ले या फिर इवन गौरव गोगोई या फिर सचिन पायलट को देख ले, उनको भी अब लगने लगा है कि इनका पॉलिटिकल फ्यूचर कुछ शेकी है, मतलब गांधी परिवार का इन जनरल, तो उनसे दूर रहना ही अच्छा है। तो मुझे लगता है मेरा अनुमान ये है कि अब सचिन पायलट सबसे पहले अशोक गहलोत से बनाने की कोशिश करेगा, उनसे थोड़ा सा अब बेसिकली क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद शायद जो भी मिल जाए आगे जाके वो देखा जाएगा, शायद मे बी मिनिस्टरशिप मिल जाए स्टेट में या फिर कुछ हो जाए। तो इसका दूसरा जो पहलू है शार्दुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा फिर आखिरी में सभा का कॉमेंट, ये बीजेपी के लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम का क्या, जैसे हमने देखा कि शुरुआत में एक क्रिटिसिज्म बीजेपी के अंदर से निकल के आया कि वसुंधरा राजे जो है वो चुप बैठी रही इस पूरे मामले में, उनकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई, तो ये माना गया कि एक तरह से वो उनका किसी तरह से अशोक गहलोत के पूरे खेमे से उनकी सहमति है और उनके साथ मिलके, क्योंकि उनकी अपनी बेटी का राजनीतिक भविष्य है, तो वो उस लिहाज से माना जा रहा था कि वो एक्ट कर रही हैं और वो इस मामले पर पूरा चुप्पी साधी रही, और एक हफ्ते बाद जाके उनका पहला ट्वीट आया। तो बीजेपी के लिहाज से जो राजस्थान का घटनाक्रम है उसको आप कैसे देखते, क्योंकि वहां पर भी अब ये बात साफ है, मतलब पहले भी था, आज भी अब और ज्यादा साफ तरीके से आ गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत का एक खेमा है, वसुंधरा राजे का एक खेमा है, और इस पूरे घटनाक्रम में ये दोनों खेमे इनमें मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो किसकी तरफ खड़ी होगी। पर एक ऐड करना एक्चुअली पूछना भी चाहूंगा, मुझे खबर देखने को मिली थी कि वसुंधरा राजे की कुछ तबीयत भी खराब थी अभी बीच में, आई थिंक दैट वो एक रीजन दिया गया था कि आई थिंक वो इसलिए शायद कुछ कर नहीं पाए एक्सेट्रा, कैसे ही हो सकता है, पर ऐसा मतलब एक बड़ा उनका उनकी चुप्पी को एक बड़ी वजह माना गया। शार्दुल देखिए बीजेपी के लिए, देखिए एक बात तो पक्की है, बीजेपी को बाजी हारना अच्छा नहीं लगता, कम से कम आज की बीजेपी को इसको पसंद नहीं है कि स्पेशली वो कांग्रेस से हारे, कांग्रेस से वो 92% सीटें जीत गई थी जिसमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था इनका लोकसभा चुनाव में, उन्हें कांग्रेस से हारना अच्छा नहीं लगता। आप ये देखेंगे जब भी कुछ भी होता रहे बीजेपी वाले स्टेटमेंट दें या ना दें, लेकिन कांग्रेस के छोटे से छोटे स्टेटमेंट पर उन्हें पलटवार करना बड़ा जरूरी है, वो इस चीज पे फोकस है। अब राजस्थान के अंदर इनकी गुटबाजी सबको पता है, जैसा आपने कहा शेखावत और सिंधिया खेमे की, अब ऐसा लोग बताते हैं कि वसुंधरा राजे की केंद्रीय नेतृत्व से भी कुछ खास बनती नहीं है,
शायद उनके उठने बैठने या बर्ताव के तरीके की वजह से, पर जो भी कारण हो बीजेपी इसे अकेला अभी के लिए तो छोड़ देगी, क्योंकि अभी उनके पास और बहुत सारी चीजें हैं फंसाने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अभी इसमें फट्टे में टांग नहीं अड़ाएगी, क्योंकि उनके पास वो संख्या बल भी नहीं है और उनके पास वो एकजुटता भी नहीं है संगठन की इस समय राज्य में। ठीक बात। सभा, बीजेपी के लिहाज से आपको क्या लगता है, बीजेपी ने इसमें कुछ हासिल किया या फिर उनके लिए केवल, हालांकि जैसा मेघनाथ ने कहा कि उसके या शार्दुल ने कहा कि उनको हारना अच्छा नहीं लगता, तो इस तरह इस लिहाज से देखा जाए तो अशोक गहलोत ने कांग्रेस को बीजेपी को कायदे से हराया तो है इस मामले में। देखिए अभी जो शख्स जो बहुत रूथलेस है, जो न्यू बीजेपी के जो रूथलेस स्ट्रेटेजिस्ट वगैरह है, वो अभी अस्पताल में है शायद कि निकल रहा है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये, मुझे नहीं लगता कि ये राजस्थान में जो हुआ था ये बीजेपी स्क्रिप्टेड था। बीजेपी ने अब आपके घर, किसी के घर में तकलीफ प्रॉब्लम्स है तो बीजेपी ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की और फिर एक स्ट्रेटजी बनी। और क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत का सिर्फ एक उनका नेशनल लीडरशिप से बनती है, लेकिन बीजेपी ट्रेडिशनली राजस्थान में बहुत सारे फैक्शन हुए हैं। मैं भैरव सिंह शेखावत के टाइम से भी, तब से वो मजबूत एक थे बीजेपी के नेता, लेकिन उसके बाद वसुंधरा को तो जिस तरह का जेंडर बायस फेस करना पड़ा एक दौर, आपको अंदाजा नहीं है। एक दौर हम सब जो अक्रेडिटेड रिपोर्टर्स थे बीजेपी बीट में, हमारे घर पैकेट्स आते थे, ये मैं लिख चुकी हूँ उसके बारे में शायद। हमारे घर पैकेट्स उसके डिवोर्स पिटिशन के आते थे और वो दूसरे बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग उनके खिलाफ, और जो गंदी गंदी चीजें जो भेजते थे वसुंधरा राजे के खिलाफ फ्रॉम लेकिन फिर भी शी वाज द महारानी, वो राजमाता सिंधिया की बेटी हैं। और इसमें इसमें मैं जो राजमाता सिंधिया जो जिनका जनसंघ में भी एक हिस्टोरिक कनेक्शन है और भाजपा से भी, इसीलिए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो माइग्रेट किया है उसकी एक हिस्टोरिक क्लेम बनती है भाजपा में, संघ परिवार में, जो सचिन पायलट की नहीं बनती। और क्यों जो ग्वालियर रीजन है, ग्वालियर जहां से ये ज्योतिरादित्य, ग्वालियर, गुना, ये सब वहां पुराना जनसंघ भी जीतता था राजमाता के इन्फ्लुएंस की वजह से, तो उनका एक हिस्टोरिक क्लेम है। तो वसुंधरा क्योंकि वो महिला थी और उनको बहुत सारे संघ बैक लोग उनसे नफरत करते थे, लेकिन उनके खिलाफ बहुत ही गंदे गंदे कैंपेन्स मैंने खुद बीजेपी में देखे हैं। पैट्रियार्की जो है उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बहुत हर जगह होता है हर जगह, लेकिन मतलब ये तो मैं पर्सनल विटनेस थी। जो पैकेट्स आते थे पत्रकारों के घर में उनके खिलाफ, यू नो, वेरी, इट वाज वेरी इंसल्टिंग, इट मेड अस सिंपैथेटिक टू हर। अगर आप महिला पत्रकार हो तो आपको सिंपैथी आए भाई, कैरेक्टर असैसिनेशन, इस तरह का पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन ये सब चलता रहता था। डॉसिये बनाकर भेजते थे जी, डॉसिये बनाकर भेजते थे, डॉसिये। हाँ मेघनाथ, आपको कुछ और जोड़ना है, फिर हम अपने अगले विषय पर बढ़े। नहीं, मेरा मुझे कुछ नहीं। ओके, तो मेरे ख्याल से काफी विस्तार से हमने बात की इस मामले पर। हमारा अगला जो विषय है वो है बैंगलोर में हुई हिंसा। उसमें जैसा कि मेघनाथ ने शुरू में ही बताया कि 3 लोगों की वहां पर बैंगलोर में पुलिस के फायरिंग में मौत हो गई है, 60 से ज्यादा पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और 110 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। वहां पर हुआ ये था कि वहां पर एक कांग्रेस के एमएलए हैं श्रीनिवास मूर्ति, उनके भतीजे ने इस्लाम के ऊपर, पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर कुछ अश्लील बातें लिखी फेसबुक पर और फैलाई उसको। इसके बाद लोगों का एक हुजूम उसके खिलाफ सड़कों पर उतर गया और देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि मीडिया के लिहाज से इसका एक पहलू है जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, दूसरा ये कि पुलिस की जो पूरी ओवरऑल भूमिका रही उस पर बात करना चाहेंगे, तीसरा इसका पहलू है कि ऐसे लोग जो अचानक से बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों पर सेंटिमेंटल होकर वायलेंट हो जाते हैं, मॉब बन जाती है, उसके ऊपर बात करना चाहूंगा मैं। तो सबसे पहला जो इसका पहलू है वो कि ये जो लोग हैं जो अचानक से सड़कों पर आ जाते हैं, सभा, ये इसके पीछे वजह क्या है? ये हमेशा ऑर्गेनाइज्ड होता है। हिंदुस्तान में जो भी दंगे होते हैं
चाहे हमेशा ऑर्गेनाइज होते हैं, एक कोई ग्रुप होगा इनके पीछे, लोगों को इकट्ठा किया गया है, लोगों को मोबिलाइज किया गया है और इससे वो निकले हैं। इससे अब ये लोकल पुलिस एजेंसीज, लोकल पत्रकारों से पता करना पड़ेगा कि ये जो ग्रुप जिसने ये सब इंसाइट किया कि लोग आप निकलिए, वायलेंस करिए, ये सब इनको क्या फायदा हुआ है कि नुकसान। अब हमारी राजनीति इतनी परवर्स हो गई है, इतनी परवर्स हो गई है कि कभी कभी जैसे आपने देखा, हम लोग सब दिल्ली के रहने वाले, कपिल मिश्रा गाली बकते गए, वायलेंस इंसाइट करते गए और वो मजबूत होते गए, है ना, दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ। तो अब इसकी फाइन डिटेल्स मुझे बैंगलोर इंसिडेंट की नहीं पता है, लेकिन ये जरूर है कि किसी ने अपना फायदा वायलेंस में देखा होगा। पॉलिटिकल डिविडेंड बहुत होता है, पॉलिटिकल डिविडेंड, बिल्कुल सही शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिविडेंड। इसमें किसी ऑब्वियस पॉलिटिकल नहीं हो सकता है कि पार्टी पॉलिटिक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, इनर मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं, कम्युनिटी में, ग्रुप्स में। अब आप साउथ की बात कर रहे हैं, साउथ में तो अलग किस्म के ग्रुप्स भी एक्टिव हैं और ये इनर फाइटिंग। अच्छा, साउथ में जो एक बार मुझे, मतलब मुझे चांस मिला था पिछले साल 2 years ago, वो कोझिकोडी एयरपोर्ट में ही मैंने लैंड किया था कि बिल्कुल मुस्लिम आर्टिकुलेशन अवेयरनेस बिल्कुल अलग है। एक तो बहुत ज्यादा बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बहुत स्किल्ड भी हैं और बहुत नाराज भी हैं सबसे पहले, तो मोर यू नो ये सब भी है वहां पे, और कुछ बहुत ही कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन ग्रुप्स भी हैं, ये सब है साउथ में। लेकिन हालांकि पैगंबर के नाम पे दंगे हुए, ये वैसे हिंदुस्तान से ही शुरू हुआ था ये जो फतवा आया, जहां तक मेरी जानकारी है, मुझे आप करेक्ट कर लीजिए, मुझे आपके ऑडियंस भी ये चेक, कि जो प्रोटेस्ट सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस के खिलाफ हिंदुस्तान से शुरू हुए, yes. है ना, और हमने बैन की वो किताब, right. और मेरे ख्याल से आयतोल्ला खुमेनी का जो फतवा आया वो बाद में आया, आप मैं अनक्लियर हूँ, लेकिन ऐसे कुछ फतवा पहले आया लेकिन बैन इंडिया नहीं किया, यूनिलैटरल फर्स्ट सबसे पहले, हाँ वहां भी वो ही इस तरह के। और मैं अभी नाम नहीं लूंगी, लेकिन उस आपको आप लोग फेमिलियर है मुशीरुल हसन जो गुजर गए, जो वाइस चांसलर थे जामिया के, मुशीरुल हसन जब जामिया में उन्होंने कहा कि वो बैन को सपोर्ट नहीं करते, उन पर काफी अटैक हुआ था, और वो भी उसके पीछे भी, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, वो भी पॉलिटिकल बैकिंग के साथ हुआ, बिल्कुल ये नहीं कि वो भी पॉलिटिकल, वो भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। मुशीरुल हसन साहब के ऊपर जब अटैक हुआ, 2 साल या 3 साल तक उनको लोगों ने कैंपस में नहीं आने दिया, जो वहाँ के रेडिकल नेशनल्स थे, तो ये उस समय का वाकया है। इसका दूसरा पहलू है, पहले मेघनाद और शार्दुल आप लोगों की राय मैं जान लूं इस पूरे मामले पर, फिर इसके हम दूसरे बाकी पहलुओं पर जाएंगे। यहाँ पे मैं भी एक्चुअली सोच रहा था कि एक तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की तो बात है ही, पर लोग किस हद तक डेस्परेट हो जाते हैं कि वो ऐसे कुछ लाइक वायलेंट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं, तो ये भी एक हमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि वैसे हमारी अर्थव्यवस्था की हालत कुछ अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए हैं, कोविड की वजह से इकोनॉमी पूरी ठप पड़ गई है, और मुझे लगता है, मैं यही सोचता हूँ कि आप सोचिए, अगर कोई ऐसे वायलेंस होता है कोई भी जगह में, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ, या फिर इवन उत्तर प्रदेश में जो वायलेंट प्रोटेस्ट होता है एक्सेट्रा, तो वहां पर पहली बात यह होती है कि बिजनेसेस ठप पड़ जाते हैं, वहां पर बहुत टाइम के लिए लोग ये सोचते हैं कि वहां पर बिजनेस खोले नहीं खोले, कोई आके दुकान जला देगा, कुछ कर लेगा, तो फिर क्या करेंगे। तो ये जो बात है ये एकदम हमारे सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट वाला जो नैरेटिव है उसके अगेंस्ट जाती है। तो अगर आप सोचे तो ये जैसे कपिल मिश्रा का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप ये लोग ऐसे सोचते क्यों नहीं है कि अगर आपने कोई वायलेंस इंसाइट किया तो वो एरिया का बिजनेस अफेक्ट होगा,
चलो ठीक है, आप ह्यूमन राइट्स को मानते नहीं है, आप वायलेंस में मानते हैं, जो भी है, पर आपका जो मेन एजेंडा है जो भारत की अर्थव्यवस्था सुधारनी है, सबको जॉब्स देने हैं, सबका डेवलपमेंट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको साइड में रख के आप ये इसमें इंडल्ज करने रखते हो। तो यहाँ पर बैंगलोर में एक्चुअली ये जो वाकया हुआ है, एक तो एक फेसबुक पोस्ट पे से वायलेंस करना ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है, गलत भी है, और इतने क्या आपके सेंटिमेंट्स प्यारे हैं आपको कि आप एक फेसबुक पोस्ट देख के इतना गुस्सा हो जाते हो कि आप 3 लोगों को मार देते हो, 50 पुलिस वालों को भी मारने लगते हो, असॉल्ट करते हो, ये एक कुछ इसमें एक समझ में नहीं आता। मेघनाथ, 3 लोग जो मरे हैं वो पुलिस की गोली से मरे हैं, पुलिस के गोली, और 50 लोग जो घायल हुए हैं वो मॉब के वायलेंस से घायल हुए। असल में यहीं से वो दूसरी मॉब शुरू होती है। एक 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 नहीं, एक्चुअली सर मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप एक मॉब का एक अगर मॉब वायलेंट हो गया तो पुलिस, जैसे हमने कुछ चर्चा पहले जब दिल्ली वायलेंस हुआ था तब वो पुलिस अफसर से जो बात किया था, उन्होंने बोला था ना डीएस्केलेशन स्ट्रेटजी कि पहले वार्निंग देते हैं, फिर बाद में टियर गैस चलाते हैं, फिर एयर में फायरिंग होता है, फिर ऑल ऑफ दैट। अब मुझे पता नहीं कि ये सब उस इधर फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, पर एक्सट्रीम स्टेज उन्होंने भी बोला कि अगर बहुत ज्यादा वायलेंस बढ़ जाता है तो पुलिस के पास कोई उपाय नहीं बचता है फायरिंग के, क्योंकि कंट्रोल तो करना है। और अगर 50 पुलिस वालों को इंजोर किया गया है तो मतलब इसका मतलब है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो ये जो पुलिस फायरिंग में जो 3 लोग मरे हैं वो सही है, पर मैं इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉब पे ही डालता हूँ। हाँ, ये तो खैर हो गई कि प्रोटोकॉल के तहत क्या चीजें हुई नहीं हुई पुलिस की, एक, और दूसरा पुलिस की गोली से मरे तो किन कंडीशंस मरे वो तो एक दूसरी जांच का विषय है। मॉब यहाँ तक जो पहुंचता है, मॉब की उस पे बात करें, जैसे मैं बहुत सारे टीवी चैनलों को देख रहा था और सब एक सुर में, जैसे उनकी टीवी चैनलों के उस पे बात करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे चूंकि न्यूज लॉन्ड्री और हम मीडिया के उस पर एक हमारा काम रहता है, वॉचडॉग के रूप में हमारी एक भूमिका है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबका एक जो टोन था वो ये कि ये कौन लोग हैं जो सड़कों पर निकल आए, इन्होंने ये क्यों कानून को हाथ में ले लिया, या इस तरह की चीजें। उसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। आप देखिए फेसबुक पोस्ट पे जो एक पश्चिम बंगाल की घटना अगर आपको याद हो, मालदा में कितना बड़ा एक वाकया हुआ था, या छोटी मोटे बहुत सारे हुए जब फेसबुक पोस्ट ने इस तरह का कॉम्युनल बड़ा वायलेंस का रूप ले लिया। होता क्या है, पिछले 5-6-7 सालों में एक जो नया कल्चर बना है इस चीज को, मतलब आपको जड़ करना था वो चीज, वो काम ईमानदारी से की। पुलिस ने गोली चलाई अपने बचाव में, उसका तो एक लॉजिक हो सकता है कि बचाव में चलाई गई गोली, लेकिन जब पहली बार एक लड़की को बलात्कार की धमकी दी गई, जब पहली बार इंटेलेक्चुअल्स को या पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी गई, जब पहली बार यहां से जो पहला फेसबुक पोस्ट नारायण उसके मूर्ति जो भी एमएलए हैं वहां के, श्रीनिवास मूर्ति उनके भतीजे का आया, तब पुलिस ने क्या अपना काम ईमानदारी से किया, तब क्या प्रोटोकॉल का फॉलो किया पुलिस ने? एक चीज ये है कि बेसिक चीजें शुरुआत में जब हाथ से निकल जाती, इवन इस मामले में, बेंगलोर के मामले में भी पुलिस के पास जब पहले लोग पहुंचे तो पुलिस ने उनको टालने की कोशिश की, टाल मटोल करने, FIR तक दर्ज नहीं की पहली बार, इसके बाद मॉब ने वायलेंट वो रुख अख्तियार किया। अब दूसरी चीज इसकी ये है कि मॉब कहां से पैदा होता है, मॉब की पूरी जो मेंटेलिटी है वो है कि क्या आपको जो सिस्टम है वो आपको जस्टिस का भरोसा दे रहा है, न्याय मिलने का भरोसा दे रहा है, सिक्योरिटी का भरोसा दे रहा है। जब आप देखते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री शपथ लेकर संविधान की और अयोध्या का मंदिर उद्घाटन करने जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेकर एक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का, वो कहता है कि मैं मंदिर का उद्घाटन तो करूंगा लेकिन मस्जिद में कभी नहीं जाऊंगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन को सीधे सीधे आईना दिखा रहे हैं, उसका अपमान करते हैं, तब एक पूरा समुदाय असुरक्षा में चला जाता है, उसको ये भरोसा हो जाता है कि ये जो लोग हैं, जो लोग टॉप पे बैठे हैं, जिनका काम ईमानदारी से न्याय करने का था, वो असल में एक तरफ खड़े हैं, एक पक्ष में खड़े हैं,
जब वहां से न्याय का, वहां से सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलता, तब इस तरह के लोग मॉब में कन्वर्ट होते हैं, या कबीलाई जो जस्टिस होता है कि इंस्टेंट जस्टिस, कि हम ही न्याय कर लेंगे क्योंकि आपको सिस्टम पे भरोसा है। तो उन बेसिक फंडामेंटल्स पे भी बात करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा सभा की एक बार टिप्पणी, फिर राहुल और मेघनाथ। नहीं नहीं, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, यार मैंने सोचा नहीं जिस तरह आप सोच रहे हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं। देखिए जब शुरू में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, तो आपको याद है कि मुंबई में रिटेलिएटरी बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। तो जब एक कम्युनिटी, और वो भी इतनी लार्ज माइनॉरिटी, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ, जब वो थ्रेटन फील करती है, तो उसके कुछ पक्ष हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, जो पहले कहेंगे कि हम मर जाएंगे, मारेंगे, है ना। ये हुआ है हिंदुस्तान में। अब ये अब लग रहा है कि मुसलमान ने इतनी बुरी मार खाई है इस हिंदुस्तान में, और कि नॉर्थ इंडिया में ऐसे इंसिडेंट होना अनलाइकली है। एक लेजिटिमेट प्रोटेस्ट की कोशिश की गई शाहीन बाग मॉडल पे, एंटी सीए प्रोटेस्ट, आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उसको छूने तक नहीं गया, आपने उसको कभी केटर करने की कोशिश ही नहीं की, कभी उसको संबोधित नहीं करने की जरूरत समझी कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है। लेकिन एक चीज तो है कि एक तबका होगा जिसको लग रहा होगा कि अब तो ये हमारे प्रॉफिट को भी इंसल्ट कर रहे हैं, अगर हम चुप रहें, हम इसको भी सह लें, तो और भी लगेगा कि ये और करेंगे तो ये। लेकिन फिर भी इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन होगा जरूर। ऐसे तरह के, जिस तरह के एकदम से फ्लैश मॉब, साइकोलॉजी ये भी होगी, भाई मरना तो है ही, मारने तो आएंगे, तो क्यों नहीं हम कुछ अपना भी कह के मरे, ये भी होगा लोगों में, ये भी जहन में होगा लोगों के जहन में। अब आज के दौर में कुछ लोगों के जहन में जरूर ऐसा सेंटिमेंट होगा, लेकिन ज्यादातर जो मुसलमान है हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, साउथ की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ केरला में तो बहुत ही प्रॉस्परस कम्युनिटी है मुसलमानों की, हाँ इकोनॉमिकली, ज्यादातर जो मुसलमान है वो कारीगर है, वो हाथ से काम करने वाला है, वो डेस्परेट है, वो सिलाई करता है, वो बुनकर है, वो साड़ी बनाता है बनारस में, हिंदुस्तान की सारी बनारसी सिल्क साड़ियों में एक मुसलमान का हाथ है, एक मुसलमान कारीगर का हाथ है, वो कपड़ा बनाता है मेरठ में, वो सहारनपुर में लकड़ी का काम करता है, वो बनारस में ब्रास वर्क करता है। ये है नॉर्थ इंडियन मुसलमान की मैं बात कर रही हूँ, कारपेंटर है, इलेक्ट्रिशियन है, लेबर है, और ज्यादातर वो सर्वाइवल में लगा हुआ है आजकल, वो सर्वाइवल में बिल्कुल। मैं जिस असुरक्षा की, जिस इनसिक्योरिटी की बात कर रहा था, उसको आप ऐसे भी देखिए कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में बनी, और पहला काम जो उन्होंने किया, आते ही सारे बुचरी शॉप बंद कर दिए, मटन मीट चिकन के सारे दुकानें बंद हो गई। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी आप मुस्लिम पॉपुलेशन, उससे उसकी रोजी रोटी निर्भर करती है, उसी से उसके घर का चूल्हा जलता है। आपने सारी दुकानें बंद कर दी, और मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं क्योंकि मैं आजमगढ़ का हूं और मेरे आसपास बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है, वो ऐसे पर्सनली तमाम लोगों को जानता हूं जिनके पास 2017 के बाद से कोई रोजगार नहीं बचा। अभी मैं गया था कुछ दिन पहले, और ये जब कोविड और लॉकडाउन और इस सब के बाद, वो लोग जिन्होंने, जो बहुत ठीक ठाक सिचुएशन में थे क्योंकि मीट के धंधे में थे, मीट का काम कर रहे थे और बाकी चमड़े का काम करते थे, ये लोग सब्जियां बेचने का काम कर रहे हैं, वो लोग आके मजबूरी में ऐसे अल्टरनेट की तरह, क्योंकि रोजी रोटी के लिए चाहिए अच्छे अच्छे लोग। तो आपने किसी एक कम्युनिटी के अंदर इतनी वो भर दी इनसिक्योरिटी कि वो अपना काम भी नहीं कर सकता अपनी रोजी रोटी के लिए वो ईमानदारी से, तो उसके बाद आप कौन से जस्टिस, किस सिस्टम की बात करते हो, और कहां से शांति आएगी? मतलब अगर कोई कम्युनिटीज के बीच में रिकंसिलिएशन की प्रोसेस हो, बातचीत की प्रोसेस हो, तो वो तो समझ में आए। आपका जो तरीका है वो है कि एक आदमी के ऊपर हथौड़ा मार के उसको बंद करवा दो, सब कुछ कर दो और मतलब सप्रेस कर दो। तो इससे कुछ लोग तो होंगे जो रिटेलिएट करेंगे, कुछ लोग सड़कों पर उतरेंगे, कुछ लोग उसके वायलेंट उसमें जाएंगे। मेघनाथ आपकी बात, और फिर शार्दुल से बात करते हैं। मैंने वही पहले भी जो बोला, आपने जो मीट वाला जो पॉइंट बोला वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप रिलीजन के बेसिस पे जब बिजनेसेस बंद करने लगते हो या फिर लोगों की आमदनी खत्म करना चाहते हो, तो फिर आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो,
क्योंकि लोगों ने आप पे भरोसा डाल के वोट दिया था कि उनकी लाइफ सुधर जाएगी, उनको सिक्योरिटी मिलेगी, जैसे आपने भी बोला. ये सिक्योरिटी वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसे जैसे रविश कुमार ने भी बोला था कि भीड़ जो बनती है, जो भीड़ जो बनती है वो बेसिकली एक इनसिक्योर भीड़ होती है. कि उनको ऐसे लगता है, उनका भरोसा उठ गया है सिस्टम पे से, और फिर इसकी वजह से वो वायलेंस पे उतर आते हैं और कुछ कुछ अपना पॉइंट सामने रखने के लिए. अब ये सीए और सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो जो प्रोटेस्ट हुआ था वो एक लॉ के खिलाफ था, वो एक साइलेंट प्रोटेस्ट था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, जो शाहीन बाग में भी हुआ था. वो जो निर्भया का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो भी बहुत हद तक पीसफुल प्रोटेस्ट था, और जो हमारा एंटी करप्शन मूवमेंट था वो भी एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था. अब इनमें एक कॉमन आपको एक थ्रेड दिखेगा कि कोई भी इशू को लेके जब प्रोटेस्ट होता है, कोई भी लॉ को लेके जब प्रोटेस्ट होता है, और जब तब जब लोग साथ में आते हैं, तो वो ये इस भरोसे से सामने आते हैं कि उनको उनका कोई सुनेगा, गवर्नमेंट उनका सुनेगी, और फिर वो लॉ या तो वापस ले लेगी या चेंज करेगी या फिर इम्प्रूव करेगी, जो भी है. पर जब रिलीजन के बेसिस पे रायट्स होते हैं या फिर वायलेंस होता है, तो वो एकदम वो पीसफुल नहीं होता कभी, वो एकदम एकदम वायलेंट ही हो जाता है एकदम सडनली. तो ये ना हमको डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, मैं तो डंकी की चोट पर कहता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बहुत पॉइजनस चीज है. और एक तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इजी हो जाता है अगर आप एक ऑर्गेनाइज्ड आइडेंटिटी को फॉलो करते हो और उसको इतना सीरियसली लेते हो, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि ये लोग बाहर आके साइलेंटली प्रोटेस्ट करके या फिर पीसफुली प्रोटेस्ट करके कोई इनके अगेंस्ट एक्शन ले ले, ऐसे कोई डिमांड करे. ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये भी एक हमको पूछने वाली बात है कि अगर फिर भी अगर आप कोई आपका सुन नहीं रहा हो और फिर बाद में आप वायलेंट हो गए हो, तो फिर वो एक एस्केलेशन दिखाई देता है. पर अगर आप डायरेक्टली वायलेंस पे उतर आए, तो इसका मतलब क्या होता है कि इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, इनका सिस्टम पे से भरोसा उठ गया है, और इनको लगता है कि कानून हाथ में लेके ही काम होगा, और ऑफकोर्स पोलिटिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे साइड में. वही जो सभा में भी कहा कि वो पॉलिटिकल ग्रुप्स कुछ ऐसे होते हैं जो उसके पीछे ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, इस तरह के. शार्दुल जी, मुझे असल में इस विषय पे काफी कुछ कहना था. ये बड़ा, मैं कैसे कहूँ, ये बहुत चिंता का विषय, कम से कम मेरे मुझे तो लग रहा है. पहले तो जो आपने बात कही, जैसे आपने सभा ने इसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को बताया, मैं ये सोच रहा था कि ये क्यों हो रहा है बार बार. मुझे तो ऐसा लगता है कि हर असामाजिक तत्व ये समझ चुका है कि धार्मिक अनुवाद का भारतीय न्याय व्यवस्था के पास तो कोई उचित जवाब नहीं है. और जो समाज इतना उन्मादी हो जाए, इतना धर्म विमुख हो जाए, ये धर्म की बात करते हैं ना सब, चाहे वो किसी भी पंथ के हों, ये सब प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, कितना भी धर्म विमुख हो जाए, जो सामान्य आचरण की सभ्यता का मूल भी भूल गया, उसका पतन निश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता. दिल्ली वाली बात पे भी आना चाहूंगा, जो दिल्ली में पत्रकारों पे हमला हुआ वो दूसरी मॉब ने किया. इस वाले में भी एक खबर आई थी कि न्यूज मिनट और शायद आज तक या इंडिया टुडे के पत्रकार जो उस समय शूट कर रहे थे, जो जब दंगा बढ़ा तो पुलिस ने उन्हें भी डंडों से मारा. उसने ट्वीट किया था, उसके सर पे चोट लगी थी. आप ये देखिए, ये समझ चुके हैं. और पुलिस का मैं ये जानना चाहता हूं कि रेलेवेंट बात आप लोगों ने कर दी, तो मैं तो अपनी मन की बात बता रहा हूं. दंगों के समय पुलिस हमेशा कैमरा बंद करने के लिए क्यों कहने सकती है? दो ही लोग मन की बात कर रहे हैं आजकल, मोदी जी और आप. अरे कहां पर. हाँ. मैं ये कह रहा था कि वो कैमरा ही क्यों बंद करने को कहती है, कैमरे के सामने वो काबू में नहीं ला सकते क्या? इसका मतलब ये है उनकी ट्रेनिंग उतनी, एफिशिएंसी इतनी नहीं है कि वो किसी लीगल तरीके से दंगे को काबू में कर पाए. कैमरे क्यों बंद करवाने हैं आपको? ठीक बात. अच्छा, अखंड श्रीनिवास मूर्ति है विधायक का नाम, उसके भतीजे की एक ऑनलाइन पोस्ट का कितने लोगों को हर्जाना देना पड़ा, चाहे वो कोई भी हो. और ये जो अपमान की ओछी परिभाषा हमने बना रखी है, देखिए मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, और एक फेथ एक ऐसा है, भले ही मैं उसमें पैदा हुआ तो मैं उसके बारे में बोलूं, तो मैं उसकी परिभाषा से बोलता हूँ. हिंदुओं की जो चराचर ब्रह्मांड का रचनाकार आप जिसे मानते हैं, जिसके उसका आपके नजरिए में कुछ भी नाम हो, उसका अपमान और उसकी असुरक्षा कितनी जल्दी हो जाती है यार. है? आप बचाओगे
ब्रह्मांड के स्वामी को, आप मानते हो, मैं तो नहीं मानता, पर आप कह रहे हो कि उसने सब कुछ बनाया, तो वो एक फेसबुक पोस्ट से असुरक्षा में आ गया, कमाल है यार। सही कह रहे हैं। आस्था का यही मसला है ना कि भाई आस्था जिसका मैं सम्मान करता हूँ उसका सामने वाला खुले हम अपमान करे, तो आदमी की जो इंसानी प्रवृत्ति है वो इसी से तो तय होती है। और देखिए अब दिक्कत यह है, जैसे आपने बात कही आपके जीवन में आर्थिक सामाजिक असुरक्षा बनी हुई है, आपके पास सहारा क्या है? गरीबों का, गए गुजरों का सहारा होता है भगवान, सक्षम लोगों को उसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना। अब और इस सैकड़ों बार हजारों लोगों ने अलग अलग तरीकों से कहा कि अच्छाई बुराई, देवता और दाना, भगवान शैतान आपके अंदर हैं। इस समय लोग भी, पुलिस और राजनीतिक तो हैं ही, पोस्ट करने वाला, पोस्ट पढ़ने वाला, उस पर रिएक्ट करने वाले, ये सब अपने अंदर के जानवर को पाल रहे हैं। हर जगह यही हो रहा है और ये बहुत चिंता का है। और उम्मीद है पुलिस छानबीन करके दोषियों को ही अभियुक्त बनाएगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं मेघनाथ एक मिनट, क्योंकि आप पब्लिक डिस्कोर्स में शेयर शेमलेसनेस और एग्रीजियसनेस को देख लीजिए, मतलब निर्लज्जता और उनकी सीनाजोरी देखिए लोगों की, कोई लिमिट नहीं बची है उसकी, स्थिति बहुत चिंताजनक। सभा कुछ कहना चाहते थे? नहीं, मैं कह रही हूँ शार्दुल बहुत खूबसूरती से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसके दो पहलू हैं, एक तो हम सवाल पूछते हैं कि आपका आपका ईमान धर्म कैसा कमजोर है कि आप फेसबुक पोस्ट से ऑफेंड हो गए। दूसरी तरफ लेकिन सवाल ये है कि ये क्या हो गया है लोगों के दिमाग में, दिल में, जहन में, कि आप बस दूसरों को इंसल्ट प्रवोक दिखाने में लगे हुए, यही इसी से आपको अपनी मैस्कुलिनिटी, जो भी आप कहें, ताकत का एहसास होता है जब आप किसी को अपने पांव तले रखें या उसको धमकी दें या उसको दिन रात गाली दें या घूम फिर के टीवी में उसी मुद्दे पे आए। मैं वही कह रहा हूं, ज्यादा सवाल आप मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम साइकोलॉजी को समझना फिर भी आसान है, ये समझना ज्यादा चैलेंजिंग है। क्या हो जाता है कि क्या इसमें कॉन्फिडेंस है कि अंडर कॉन्फिडेंस है, इसमें कॉम्प्लेक्स है कि स्ट्रेंथ है, इसमें कमजोरी है कि ताकत है? ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और इनका ताल्लुक कास्ट सिस्टम और काफी सारी चीजों से है जिसका सब चीजें जुड़ी हुई हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग, अभी सभा ने और शार्दुल ने बात छेड़ी है तो मैं एक ऐड करना चाहूंगा। डायस्पोरा साइकोलॉजी पे मैं एक पेपर पढ़ रहा था कि डायस्पोरा जब भी, मतलब डायस्पोरा का मतलब है जो बाहर कंट्री के बाहर रहते हैं, वो अपने कल्चर को और ज्यादा रेडिकली क्यों अडॉप्ट करने लगते हैं, वो इस पर एक कुछ स्टडी पढ़ रहा था मैं। तो उसमें ये बोला गया है कि बेसिकली जब आप कोई बाहर जगह पे जाते हो, कोई भी बाहर कंट्री में जाते हो, तो आप ऑब्वियसली फेमिलियरिटी देखने की कोशिश करते हो, फेमिलियरिटी के सर्च में रहते हो हमेशा। और सबसे पहली जो चीज जो लोग बैंक करते हैं वो है ट्रेडिशंस और आइडेंटिटी और रिलीजियस आइडेंटिटी इस पे, क्योंकि एक तो इजीली अवेलेबल है, बहुत बहुत सारे लोग आपके जैसे धर्म को मानते होंगे, आपके जैसे रिचुअल्स करते होंगे, तो वो थोड़ा सा सोशलाइजिंग एक्सरसाइज हो जाता है और उससे उनका तालमेल बढ़ जाता है। पर होता क्या है कि फिर वो इन ग्रुप बन जाता है और फिर व्यूज और एक्सट्रीम होने लगते हैं और प्रोटेक्टिव होने लगते हैं, वो सेफ स्पेस टाइप बन जाता है। तो हमारे यहाँ पे ना, हम आई थिंक हमको ये समझने की बहुत जरूरत है कि हमारे यहाँ पे सिटीज में बहुत ज्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन है, और अगर आप इंडिया को देख ले और अपनी डाइवर्सिटी को देख ले, तो हमारे यहाँ पे एक अगर बिहार से कोई मुंबई में गया तो वो इज इक्विवेलेंट टू एन इंडियन गोइंग टू द यूएस, क्योंकि इतना डाइवर्स होता है कल्चर। तो वहां पे जाके जो असिमिलेशन होता है, जो रिलीजियस आइडेंटिटी का या फिर कास्ट आइडेंटिटी का या फिर जो पर्सनल आइडेंटिटी है, उसका आई थिंक एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है यहाँ पे भी। क्योंकि अगर आपको एक रेडिली एक ग्रुप अवेलेबल है, अगर आप एक आदमी को टैप करके 50 और आदमियों को टैप कर सकते हो, तो वो कोई भी पॉलिटिशियन वो ग्रुप में अपना मैसेज स्प्रेड करना चाहेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स ऐसे ही काम करता है। एक एक आप एक इन्फ्लुएंशियल आदमी को पकड़ लो, उसके सब फॉलोअर्स आपके साथ आ जाएंगे। वैसे ही आई थिंक रायट्स जब होते हैं या फिर ये जो वायलेंस होता है, इसमें ये एक असिमिलेशन का काम करता है कि अगर आप ऐसा कोई फेसबुक पोस्ट आ गया
जो अफेंड करता है, तो एक आदमी बोलेगा उसके 10 लोग लेके आएगा, फिर वो और 50 हो जाएंगे, फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200 हो जाएंगे, और फिर एक मोबिलाइजेशन होता है ताकि ये आपकी जो एक पर्सनल आइडेंटिटी है वो आप असिमिलेट कर पाए और इसको और ज्यादा रेडिकली एक्सप्रेस भी कर पाए ताकि लोग आपसे फिर पंगा ना ले। नहीं, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन बस मैं यहाँ पे शार्दुल से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, करूंगा उस बात से कि ऊपर वाला इतना असुरक्षित कैसे है कि जिसने सब कुछ बनाया, और वो यही तो तर्क है टीवी वालों का। तो इसलिए मैं ना उस चीज में ना पढ़ के आप इंसान को इंसान के हिसाब से देखिए उसकी। नहीं नहीं, मैं वही कहना चाह रहा था, मेरी बात थोड़ी गलत समझी गई और मुझे एक बात और जोड़नी है। वो मैं ये कह रहा था कि उसे मानने वाले ही, उन मानने वालों की नजरों में भाई एक तरफ तो मानते हैं कि वो ताकतवर है, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि सामाजिक, जो आपने बात कही ना, सामाजिक रूप से वो असुरक्षित हैं, आर्थिक रूप से, तो उनके पास संबल एक ही है, उनका फेथ, और उसको भी डालते हैं तो लोग रिएक्ट तो करेंगे ही। पर मैं छोटी सी बात और ये जोड़ा था, अराजकता का ना, एनआरकी का अभ्यास होने लगा है जनता को, मुझे ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल हो रहा है। ये बहुत सारे स्तरों पर, क्योंकि जब आप, वही मैंने कहा कि आपका सिस्टम जब आपको फेल करता है, आपके जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको भरोसा नहीं दे रहे हैं, एक एक चीज धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही, पड़ती जा रही है, टूटती जा रही है जी, तब अराजकता ही उस स्थान को भर रही है, अल्टीमेटली उसका विकल्प बनेगी जी। और जो मेघनाथ और सभा ने कहा ना ग्रुप आइडेंटिटी वाली बात, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जितनी ग्रुप आइडेंटिटी आपके जीवन में बढ़ती जाएगी, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म होती रहती है, क्योंकि ग्रुप में आने के लिए आपको आपके इंडिविजुअल फ्लेयर, जो आपकी आपके अलंकार हैं जो हर किसी व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, वो खत्म होते जाते हैं, आपको एक रूपता दिखानी पड़ती है। वही तो मोदी जी का नारा है, पावर ऑफ वन, वन नेशन। वो बहुत दिक्कत की बात है, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन लैंग्वेज। आप हंसेंगे, मेरा संग में सभा को पता नहीं है, सभा में एक संघ फैमिली में पैदा हुआ, मेरे दोनों अच्छा, खानदानों में चार चार जनरेशन वैसी हैं, तीन तीन चार चार। तो लेकिन मेरे डिसएग्रीमेंट वहां से शुरू हुआ कि अगर किसी को याद हो WWF में रेसलर आता था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, उसकी थी फ्रेंच कट दाढ़ी, मैंने फ्रेंच कट दाढ़ी रखी, तो जब मैं उसके बाद कार्यालय गया तो वहां पे लोगों ने बोला कि ये जो घटिया शब्द यूज करते हैं वो मुस्लिम लोगों के लिए, ये वाली दाढ़ी क्यों रख रखी है मैंने, तो मैंने उनसे बोला दाढ़ी किसी के बाप की है, मुंह मेरा, बाल मेरे, मैं जैसे मर्जी काटूं, ये बात कहां से हो गई। और इसके बाद जाना खत्म कब से हुआ, मैं एक कार्यालय पर था वहां पर, और मतलब वहां पे जो मेरी शाखा में आते थे और आसपास लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया नए साल की हमें पार्टी करनी है, मैं अकेला रहता था बहुत सुदूर एरिया में। कहां की बात कर रहे हैं आप शार्दुल? विकास नगर की, भोपाल? नहीं नहीं, विकास नगर, विकास नगर डाक पत्थर के पास, यमुनोत्री वाले रास्ते पे, देहरादून से। देहरादून जी जी जी। तो मैं घर छोड़ के गया था, तो उन्होंने कहा पार्टी करनी है, मैंने मना किया, पर उन्होंने कहा भैया आप ही रहते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा भाई ठीक है, तो मैंने उनके लिए खाना बनाया, पड़ोस वाली आंटी ने उसमें मदद की, और बच्चों ने केवल, मतलब लड़कों ने, साथ वालों में, उसमें मेरे बराबर के भी थे, केवल कमरे में डांस वांस किया। वो बात लोगों को इतनी चुभी कि वो आज तक कोट अनकोट कलंक है। पिक्चरों के गानों पे ऐसा मैंने कभी, वो इतना कह रहे थे और वो इतना काम करते हैं शाखा से जुड़ा हुआ, तो कह रहे थे बच्चे मान गए। लेकिन तो आप ये देखिए, ओछी मानसिकता ना बहुत ही नगण्य चीज से शुरू होके आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खा जाती है। मतलब आप कितने भी कमिटेड हो, लेकिन मनोरंजन जैसी चीजों को आप आदमी जीवन से कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप गुरुजी के विचार बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में पढ़ लेंगे ना, तो आप कहेंगे ये क्या कहते थे उनसे, वो कहते थे उनसे मिलने के बाद उनसे नहाना चाहिए। हाँ, अगर आप एक मजे की बात याद आई, अगर आप गोलवलकर का फोटो देखेंगे, MS गोलवलकर का, और मेरा फोटो साइड में रखेंगे, तो ऐसे लगता है मैं रीइंकार्नेशन हूं उनका। तो मेरा एक मेरा एक घर भी पास ही है रामटेक के, नागपुर नागपुर। तो मेरा एक बहुत इविल प्लान भी था कि मैं फोटो लेकर पोस्ट करूंगा। सगी ग्रुप्स में बोलूंगा कि नहीं, रीइंकार्नेशन हिंदू थ्योरी, रीइंकार्नेशन इज पॉसिबल।
और फिर मैं अंदर जाके उनकी फिलॉसफी चेंज करने की कोशिश करूंगा लेकिन ये ना हो पाएगा। बंच ऑफ थॉट्स पार्ट टू ये ना हो पाएगा। बंच ऑफ थॉट्स पार्ट टू तो अच्छा है। मैं ना आत्मनिर्भरता के बारे में लिखूंगा और आत्मनिर्भर भारत नहीं, आत्मनिर्भर इंडिविजुअल। हाँ, क्योंकि हाँ. ये सब हम जो आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, मास आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, पर आई थिंक इसका एक ही उपाय है। हाँ. एक तो लोगों के पास जॉब्स होने चाहिए ताकि हाँ. वो जब सोचे कि यार ये बुलावा आया है वायलेंस करने पर मुझे जॉब पे भी जाना रहेगी कि नहीं रहेगी। हाँ एग्जैक्टली वो एक है। तो आत्मनिर्भर हमको लोगों को बनाना है। भारत को छोड़ दो, बाद में बना लेंगे। सब आत्मनिर्भर खुद बन गए तो फिर भारत भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। देखिए ये सारी बात हो रही है तो लोग फेथ की बात हम अभी कर रहे थे, तो हिंदू फेथ में एक चीज पढ़ाई जाती है और आपने देखा होगा बहुत से फेथ्स में ऐसा होता है कि अर्थ से मतलब इकोनॉमी से पैसे को थोड़ा सा परहेज रखते हैं, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है, अच्छा माना जाता है। उसका कारण यह है कि अगर आप पढ़ेंगे तो उसे मिलेगा कि जो अमीर आदमी होता है ना, जिस जो साधन संपन्न होता है उसको बरगलाना बड़ा मुश्किल होता है। जो जिसके पास रिसोर्सेज हैं उसको आप ऐसे ही नहीं फुसला सकते, वो मना कर लेगा। लेकिन जो आदमी मजबूर है उसको बरगलाना बहुत आसान है और यही हो रहा। ठीक बात। अच्छा जो मेघनाथ ने बात की उस वो बेसिकली संघ की लाइन भी है, वो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। जी बिल्कुल, इंडिविजुअल आत्मनिर्भरता से वो मैच भी कर जाएगा। आप उनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे हम तो केवल व्यक्ति निर्माण का काम करते हैं, व्यक्ति जो मर्जी करे समाज में जाके। तो जी तो मैं मतलब प्रूव हो गया कि मैं जरूर मेघनाथ। जी जी एकदम बंच ऑफ थॉट्स पार्ट टू अंडरग्राउंड हो जाना। वैसे तो भागवत जी ने भी कह दिया कि पुरानी वाली में हम कुछ अब बदलाव कर रहे हैं, उसमें कुछ चीजें हमने हटा दिया, एडिटिंग जैसे चड्डी हटा के पैंट्स पहन लिए अभी। नहीं, पंच ऑफ थॉट के बारे में कैटेगोरिकली बोला ना। ओके ओके। हां, जो प्रॉब्लमेटिक चीजें थी बिल्कुल कि हम इसको हटा रहे हैं और ये अब नहीं करेंगे, मसलन उनके जो विचार थे कई मामलों में उनको विज्ञान भवन में उन्होंने बोला था। विज्ञान भवन में 3 दिन का जो सेमिनार था। हाँ। एक इनका अभी रिसेंट बयान भी था कि आप कोई कंट्री को अपोज कर रहे हो तो उनके प्रोडक्ट्स को अपोज मत करो, या कुछ ऐसे बयान भी देख रहा था मैं। तो मतलब भागवत जी ये टिकटॉक बैन के खिलाफ है क्या, ऐसे भी पूछ रहे थे लोग। तो मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ डायनामिक है वहां पर। हम लोग वायलेंस की बात करते करते पूरी तरह से संघ पर शिफ्ट हो गए, ये बताता है कि वायलेंस और संघ का बड़ा करीबी रिश्ता भी है। नहीं anyway. जिसका भी क्या मतलब, जो भी एक रुकता लाना चाहता है उसका वो शेडी आदमी है। कम से कम भारत जैसे देश में मतलब इतनी विविधताओं वाले देश में एक वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं कर सकता कभी भी। ये तो देखिए वो राम मंदिर की अगर बात करें, क्योंकि वो बड़ा इंसिडेंट अभी बड़ा इवेंट हुआ है रामलीला, क्योंकि तो वो पूरा सब गोलवालकर की बात हो रही है। गोलवालकर इम्पोर्टेंट थिंकर नहीं है, सावरकर है। और उनका जो है ना कि आपका होली लैंड एंड मदर लैंड पितृभूमि, ये वो बना रहे हैं अयोध्या में, वो बन गई है, वो ही कोशिश है। तो एक तो इसका एनालिसिस ये भी होता है कि ये हिंदू धर्म को सेमिटाइज करने का प्लान है कि आप एनीवे। हाँ, एक एक्चुअली एक रिलेटेड इशू एक्चुअली सभा ने जब ये बात ली याद आया कि सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे जो भी आप फोरम्स पे हो तो आप एक और व्हाट्सएप पे भी, मुझे एक नहीं समझ में आता। अभी आपका राम मंदिर बन रहा है, भूमि पूजन हो गया, मतलब नया भारत बन रहा है, जो भी बन रहा है, राम राज्य आ रहा है, फिर भी क्यों गुस्सा है ये लोग? मतलब इनका मुझे लगा कि थोड़ा शांति होगी, थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे। अब हो गया ना इशू, खत्म हो गया। आप ये पूरा एनालिसिस का सवाल है कि जो मेजोरिटी का जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सबका नहीं होता लेकिन जो एक काफी मजबूत तबके का जो वायलेंस अब्यूज ये सब चीजों का एट एनी गिवन टाइम, तो क्यों बनता है? यूएस में भी है ना वो। तो ये एक मैं एनालिटिकली अब मेरा एक रेजोल्यूशन है कि मैं साइकोलॉजिकल इमोशनल लेवल पे इसको समझने की कोशिश करूंगी कि कहां से आता है। इसको मैं एक प्रवचन वाले उसमें खत्म कर देता हूँ। जब तक आप अपने आंचल में अतीत को समेटे बैठे रहेंगे,
उसमें भविष्य की जगह नहीं बन पाएगी। ठीक बात। मोदी जी ने कहा है वो ये चीज मेघनाथ कुंठा से जो आती है ना फ्रस्ट्रेशन, आप जब पहली लाइन जब उनका सुनते हैं लोकसभा में 1200 वर्षों की गुलामी, अब 400 सालों का तो कुल मुगल एरा था उसमें, 1200 वर्षों की गुलामी कहाँ से लेके आए आप, मतलब उसके पहले सल्तनत एरा भी था, वो पूरे हिंदुस्तान पे सल्तनत का शासन थोड़ा ही ना था, तो कुछ एक इलाके थे, पॉकेट्स थे अलग अलग जगहों पर, लेकिन तो ये जो कुंठा है और वही पॉलिटिक्स को लीड कर रही है तो उससे ये पैदा होता है गुस्सा, कि आपको अल्टीमेटली उस गुस्सा ही आपकी एनर्जी है, आपका फ्यूल है जिससे आप इस पूरी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको अपने देश से प्यार करने के लिए पाकिस्तान से नफरत करनी पड़ेगी। नफरत नफरत बेसिक टिनेट से। और चीन से कैसे नफरत होगी उससे थोड़ा आई थिंक वो अभी तक वो स्विच नहीं हुआ है अभी तक, नहीं हुआ है वो अभी, थोड़ा सा फिर भी पाकिस्तान पाकिस्तान पे इतना चिल्ला रहे थे, फिर चाइना आ गया, अब क्या करेंगे, लाइक चाइना और पाकिस्तान को दोनों को हेट करना पड़ेगा, तो वो डिवाइड हो जाएगा अटेंशन, फिर कैसे होगा, पॉलिटिक्स कैसे चलेगा। मेरे ख्याल से काफी दिलचस्प रही इस हफ्ते की चर्चा, हम अब अपने आखिरी के समय भी काफी हो गया है, रिकमेंडेशन का जो हमारा राउंड है वो कंप्लीट कर लेते हैं। मेघनाथ सबसे पहले आप ही का रिकमेंडेशन लेते हैं। मेरा एक सबसे बड़ा रिकमेंडेशन है इस बार, आप पिछले हफ्ते का टिप्पणी देखिए प्लीज, क्योंकि अतुल सर ने जैसे ये राम मंदिर का कवरेज महाभारत का एनालॉजी लेकर एक्सप्लेन किया, मुझे बहुत मजा आया देखकर। आइडिया कहाँ से आया अतुल सर? नहीं, मैं एक्चुअली मैं उस पिछले हफ्ते की स्क्रिप्ट लिखना है कई मामले में बहुत ही टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था, कि कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब पूरे हफ्ते केवल राम मंदिर था। हाँ। तो मैं अब चूंकि चार पांच इशू लेता हूँ पूरे एपिसोड में, मुझे कोई और चीज मिला ही नहीं इंसिडेंट, तो मैंने कहा कि अब केवल अगर ये राम मंदिर ही चल रहा है तो इसको नए तरीके से कैसे कवर कर सकते हैं। तो फिर मैं पढ़ रहा था वो, क्योंकि मैं वो सैटायर पढ़ता रहता हूँ उनके परसाई के इधर उधर, तो हालांकि उसमें उनका नहीं जिक्र मिला, अचानक से मेरे दिमाग में फिर आया कि आडवाणी को जाने नहीं दिया, मनोहर जोशी को जाने नहीं दिया, तो एक समय मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आडवाणी को ही धृतराष्ट्र बना दूं यहाँ से, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनकी धृतराष्ट्र वाली ही थी, वो कुछ बोल रहे नहीं है और हर पाप को देख के और स्वीकार किए जा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि अगर आडवाणी को बनाऊंगा तो थोड़ा सा सूत्रधार का जो वो है रोल कमजोर हो जाएगा, तो इससे बड़ा मैंने कहा कि संजय और धृतराष्ट्र को ओरिजिनल फॉर्म में उतारा जाए और आडवाणी को वहां पे पेश किया जाए, जवाबदेह भी रहे। मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है जो रोगन का एक पॉडकास्ट है 2019 का, सैम हैरिस के साथ। सैम हैरिस एक न्यूरो साइंटिस्ट है और एक फिलोसोफर है उनके साथ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा हुई उसमें, क्योंकि जो रोगन जो है उनका पॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट से चलता है और सैम हैरिस का जो पॉडकास्ट है वो भी बहुत पॉपुलर है और वो सब्सक्रिप्शन से चलता है, तो दोनों ने वो पॉडकास्ट में बहुत गहराई से बात की है कि कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा मॉडल चलता है, कौन सा मॉडल यू नो चलने लायक है, और जबकि न्यूज लॉन्ड्री एक पब्लिकली फंडेड मॉडल है, तो मैंने सोचा कि ये एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव देता है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को झगड़ रहे हैं कि नहीं मेरा अच्छा है तेरा अच्छा है और व्हाटएवर, बट दोनों फायदे बता रहे हैं अपने अपने मॉडल्स के, और फिर एंड में वो यही बोलते हैं कि आगे जाके फ्यूचर ही डिसाइड करेगा कि नेटफ्लिक्स मॉडल चलेगा या फिर यूट्यूब मॉडल चलेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, तो वो जरूर सुनिएगा। बिल्कुल, इसका लिंक आपको मिलेगा नीचे, इस चर्चा की जो कॉपी है उसमें मिल जाएगा आपको, और मैं भी इसको सुनना चाहूंगा। मेरे ख्याल से मेघनाथ ये हमने इस तर्ज पर एनएल वर्सेस एनएल भी कर सकते हैं। जी, वो है हमारे एजेंडा में, एनएल वर्सेस एनएल किस पर? सब्सक्रिप्शन मॉडल पर। अच्छा, हाँ। मुझे पता ही नहीं आपका मॉडल सब्सक्रिप्शन पे चल रहा है सर। जी, 100% और अभी भी मतलब इट्स कॉस्ट वर्स हो जाते हैं सब्सक्रिप्शन से ही। जी, तो अभी फिलहाल मतलब ब्रेक इवन करने की बात आने वाली है, तो मतलब अभी सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और मैं ये मतलब ये बता भी सकता हूँ कि एक्चुअली लॉकडाउन के बाद हमको स्पाइक दिखने लगा थोड़ा सा, काफी स्पाइक दिखा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम भी स्टडी कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये पैटर्न सब नए है, कोई और कर नहीं रहा था। इंडिया का सबसे पहला हमारा प्लेटफॉर्म था सब्सक्रिप्शन मॉडल करने वाला, बिल्कुल। और मतलब अभी तक हम सर्वाइव कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बात है ना। और एक्चुअली हमने
हायरिंग भी शुरू कर दी है तो फिर अच्छे अभी हमारे पास काफी काफी वो बहुत मतलब आगे का सिनेरियो बहुत होपफुल है जी होपफुल है भाई होपफुल है दैट इज यू नो ये बड़ी बात है क्योंकि जो ट्रेडिशनल मॉडल है सब लोग निकाल रहे हैं लोगों को जब मीडिया को जरूरत है जब मीडिया की मुल्क को जरूरत है तब मीडिया वाले लोगों को निकाल रहे हैं सैलरीज कट कर रहे हैं और इसका इसका यही एक फायदा है ना सभा की मतलब अगर अगर आप पब्लिकली फंडेड है तो फिर आपके ऊपर सेंसरशिप भी कम होती है मैं तो ये सबको ही बताता हूँ कि न्यूज लॉन्ड्री में काम करना कैसा लगता है तो मैं वही बताता हूँ कि यहाँ पर बहुत मतलब है ही नहीं सेंसरशिप आप बेसिकली ऑब्वियसली गालियां नहीं दे सकते बट ओवरऑल आई थिंक द एडिटोरियल मैनेजमेंट से लेके सबके सब आर वेरी ओपन टू पुटिंग आउट एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट क्योंकि यहाँ पर क्लिक्स का कुछ लेना देना है नहीं हमको कोई एल्गोरिथम को चकमा दे के कुछ करना है नहीं अच्छा बस अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है और फिर अगर 10,000 लोग भी देखेंगे उसमें से 1,000 लोग अगर हमको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा दुकान चलने लगता है तो थियरी इज दैट हमारा टैगलाइन भी वही है पे टू कीप न्यूज पे टू कीप न्यूज आपका खर्चा और आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल शार्दुल आपका रिकमेंडेशन देखिए मेरी दो रिकमेंडेशन है पहली तो है मुझे नाम ठीक से नहीं पढ़ पा रहा तो बुक का नाम है द सोशल साइकोलॉजी ऑफ एथनिक आइडेंटिटी है ना हमने अभी बात की तो उसके लिए मैंने छांट के रखी थी जो जो समाज का मानसिक विकार पैदा हो रहा है आपने महाभारत की बात की तो मुझे उससे याद आई मेरी फेवरेट चीजों में से एक ये आजकल के नेताओं को जज करने वाले लोगों को विदुर नीति पढ़नी चाहिए तो उन्हें पता चलेगा ये नेता किस स्तर के ये दो हैं ठीक है सबा आपका रिकमेंडेशन देखिए मेरा मतलब मैं अभी एकदम से आपने पूछा मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी लेकिन मैं सच बताऊं तो बहुत क्लीशेड और हैकनीड लगेगा लेकिन एक किताब जो मैंने पढ़ी है और बहुत आसान है और बिल्कुल शो ऑफ नहीं कर रही हूँ मैंने कभी जिंदगी में अल्बर्ट कामू को पढ़ा नहीं था वो है द प्लेग बहुत इट इज नॉट टू मेनी वर्ड्स मैं अभी मेरे सामने है मैंने पूरी खत्म कर दी और ये आश्चर्य होता है और वो एक शहर की कहानी बता रहे हैं हाँ शहर में वो पहले चूहे मरने लगते हैं प्लेग आता है और एक डॉक्टर और एक मतलब दो तीन लोगों के थ्रू ये कहानी बताई जाती है और बिल्कुल शॉकिंग फैक्ट है शॉकिंग इमोशंस जो डिपार्चर के जो आइसोलेशन के जो लॉकडाउन के हैं वो जो हम लोग आज फील कर रहे हैं ये आप जरूर पढ़िए बहुत आसान रीड है हैवी डेंस रीड नहीं है अल्बर्ट कामू और ये मैं आपको क्योंकि मैंने ये पढ़ा और मैंने फिर से 1984 रीरेड इट मेरा एक वो था कि आई वाज सो फेड अप बीच में टीवी तो मैंने 2 महीने तो बंद ही कर दिया और फिर ये सब करके और मैं दोनों बहुत ही आसान किताबें हैं और दोनों अल्बर्ट कामू और जॉर्ज ऑरवेल जर्नलिस्ट थे पत्रकार थे हाँ हाँ बिल्कुल सभा एक एक इंटरेस्टिंग रेकमेंडेशन देना चाहूंगा अगर आपने IQ 1984 फिर से पढ़ा मैं रेकमेंड करूंगा आप IQ 1Q84 पढ़िए ये हारुकी मुराकामी का रीटेक है बेस्ड इन जापान I've read a lot of Murakami but not this yes it's a wonderful book 1Q84 reimagination hai pura 1984 ha 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 albert camus ki plague ka to bahut hi acha मैंने भी पढ़ी हुई है उसमें आपको याद होगा he said to people had merely grumbled वाला जो उसका quote बिल्कुल बिल्कुल it's amazing it's amazing और एक उसमें एक chapter में तो एक वो हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ एक preacher का एक बयान आता है एक चैप्टर में हाउ दे से दैट दे विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्लेग इट्स अ फैसिनेटिंग एंड इट्स बहुत इजी किताब है पढ़ने के लिए इट्स सो मच रिलेट तो आई जस्ट रेड इट ऑन मेरा मतलब मुंह खुल के मैं आई वाज माय माउथ वाज हैंगिंग ओपन कि मैं ये पढ़ रही थी ये मेरा मेरे इमोशंस इस किताब में जो लोग फील कर रहे हैं जो बच्चे फील कर रहे हैं जो पार्टनर्स फील कर रहे हैं ये सब इसमें है सब मिल जाता है बहुत पुरानी किताब है ना बहुत पुरानी 1950s वगैरह में काफी कई बार कई गेस्ट जर्नलिस्ट ने इसको रिकमेंड किया है मैंने पढ़ा नहीं इसको लेकिन अब मैं पढ़ूंगा फर्स्ट पब्लिश्ड 1947 ओह वाओ एंड ही वाज डेड आई मीन इट्स अमेजिंग वो ये सब लोग अपने 40s में मर गए भाई ये और
जॉर्ज ऑरवेल भी मेघना ट्यूबरकुलोसिस से मरे. हाँ हाँ बिल्कुल. जॉर्ज ऑरवेल बहुत पावर्टी में भी रहते थे ना, मतलब उनका वो एक मैंने लेटर्स भी पढ़े वो जब जब वो उनके जो पावर्टी स्टेट ऑफ पावर्टी जब जब थी उनकी तो उन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिखे थे. तो वो बहुत जबरदस्त एक कहानी है. जॉर्ज ऑरवेल बिहार में पैदा हुए थे चंपारण में. मैं देख चुकी हूँ अतुल. सॉरी चलिए नहीं मैं ये कह रहा था हमारे संभकार हैं आनंद. आनंद की एक बात मुझे उसे बड़ी अच्छी लगी है. बहुत पहले उन्होंने हफ्ता में या चर्चा में कभी कही थी कि बिहार ने बुद्ध को ज्ञान दिया था तो बिहार को क्यों कौन ज्ञान देगा. तो मेरा रिकमेंडेशन है दो चीजें हैं छोटी सी. एक तो अभिनेता इरफान का हाल ही में देहांत हुआ तो उनकी पूरी जर्नी को जर्नलिस्ट हैं अजय ब्रह्मात्मज हमारे यहाँ उनका कॉलम भी है न्यूज लॉन्ड्री पे. उन्होंने बहुत शुरू से उनको कवर किया था मतलब इरफान के बॉम्बे जाने के बाद से और उस पूरे दौर से लेके अब तक उन्होंने इरफान के बहुत सारे बड़े 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 लंबे लंबे इंटरव्यू किए जब वो कुछ मतलब स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम के, फिर जब पहली फिल्म हिट हुई उस समय, फिर जब स्टार बन गए उस समय, फिर हाल फिलहाल. तो उस पूरे दौर को बहुत बड़े बड़े उनके इंटरव्यूज थे. उसको पूरा एक कंपाइल करके एक बुक का शेप दिया है. अभी वो ई बुक के फॉर्म में है. अच्छा. तो मैं वो बुक उनकी रिकमेंड करूंगा. उसका नाम है और कुछ पन्ने कोरे रह गए. notnull.com करके एक ई बुक प्लेटफॉर्म है वहां पर ये अवेलेबल है. जल्दी इसका शायद फिजिकल में हार्ड कॉपी भी आएगी. तो ये बुक रिकमेंड करूंगा मैं इस हफ्ते के लिए. और इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे. आप सब लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और उससे पहले एक बार मेघनाथ आप अपील जो हमारी होती है सब्सक्रिप्शन के लिए श्रोताओं से. वैसे सभा ने जो हमको सेगवे दे दिया वो एक अच्छा था कि हमको थोड़ा सा हमारे मॉडल के बारे में बात करने के मौका भी मिल गया. पर एक आपको जो आप जो सब सबने ही बात की एक्चुअली इस पर हम बार बार बात करते हैं कि वो राम मंदिर का जो कवरेज था उसके सिवाय कुछ हो नहीं रहा था. एक बहुत ही मजे की बात हुई कि उन्होंने अनूप जलोटा को लेके आए और अनुराधा पौडवाल को भी लेकर आए और फिर बाद में आई थी आज तक में अनुराधा पौडवाल जी न्यूज पे अनुराधा पौडवाल थे और आज तक पे अनूप जलोटा थे और वो गाना गा रहे थे. तो मैंने वो देख रहा था मैं क्योंकि काम है मेरा तो देख रहा था. और एक बहुत ही मजे वाली चीज हुई. एक एंकर बोलती है ये देखिए राम लल्ला की मूर्ति देखिए दर्शकों आप वहां नहीं जा सकते कोई नहीं जा सकता कोरोना का टाइम है एक्सेट्रा आप यहाँ पे ही दर्शन कर लीजिए. 5 मिनट के लिए वो राम लल्ला की मूर्ति दिखा रहे थे ये देख लो दर्शन कर लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा और साइड में मसाले के एड आ रहे थे. मैं वही सोच रहा था कि तुम एड बेच रहे हो या फिर राम लल्ला बेच रहे हो. दोनों तो बेच ही सकते हो बट आई थिंक ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी बन गया था हमारे मीडिया को तमाशा करने का और व्यूज लाने का तो उनका थोड़ा सा तमाशा एक्सट्रीम चला गया था. नाविका कुमार तक गाने लगी थी क्योंकि उनको शायद कोई मिला नहीं. अनूप जलोटा नहीं मिला ये सब हायर हो चुके होंगे तो फिर नाविका को ही बोल दिया कि आप ही गा लो अब क्या बजट भी बचेगा थोड़ा सा. तो अगर आपको ऐसे मीडिया को सपोर्ट करना है तो आप देखिए और उनके साथ रामलल्ला को भी देखिए और फिर उनके एड्स भी देखिए या फिर आप न्यूज लॉन्ड्री जैसे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करिए. नहीं मैं भी कहूंगी आप ये इतना इतनी अच्छी बात थी मजेदार और मैं भी आपके दर्शकों तो लिसनर्स को कहूंगी कि आपको सपोर्ट करें जरूर जी. मैं अपील करना चाहूंगा इस सारी बात से मेरे दिमाग में आई आज सारे जो लोग राम के भक्त बनकर मसाले बेचने का काम कर रहे हैं उनको ना दें. हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आपके पैसे पर निर्भर करते हैं इसलिए न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें. अरे वाह सब हम खाऊंगा. एक बार जब कभी आप टाइम्स नाउ पे अगली बार जाइएगा तो
सरकास्टिक वे में ही या ऐसे ही एक बार नाविका को उस गाने के लिए और उनकी सुरीली आवाज वो संबित पात्रा और ये हमारी नाविका कुमार मैम दोनों जुगलबंदी कर रहे जुगलबंदी क्या चल रहा था मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था. अब आप गाइए ना. नहीं नहीं अब आप गाइए गाइए प्लीज गाइए. अरे ओह माय गॉड भैया ये मेंटल टॉर्चर है मैं नहीं देख पाता तो इसीलिए सब्सक्राइब. हर जगह गए संबित पात्रा हर चैनल में गए और भजन गाए उन्होंने गाया. और एक और अतुल सर एक और चीज बोलना चाहता हूँ हमारे लिसनर्स को. कल इंडिपेंडेंस डे है और हम कल हमारा मर्चेंडाइज लॉन्च कर रहे हैं. तो अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं न्यूज लॉन्ड्री का तो आपको एक छोटा सा गिफ्ट मिलेगा उसके साथ. एक सोप बॉक्स हमने बनाया है जिसका नाम है सबकी धुलाई और वो इंडियन फ्लैग्स के कलर में और खादी सोप है. बहुत अच्छा सोप है. मैंने 2-3 चुरा लिए ऑफिस से ऑलरेडी. आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये बॉक्स मिलेगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए. और बहुत अच्छे अच्छे मर्चेंडाइज अलग अलग भी हैं वहां पर आपको मिलेंगे. तो जय हिंद इस हफ्ते के लिए. जय हिंद. जय हिंद और हैप्पी इंडिपेंडेंस. जय हिंद. न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट स्टिचर आईट्यून्स और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं. खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें.